एक बार एक लड़के को अपनी ही कॉलेज की एक लड़की से प्यार हो गया था। लड़के ने लड़की को दोस्त बनाया, पर अपने प्यार का इजहार ना कर सका, क्योंकि वो डरता था कि कहीं लड़की ने मना कर दिया तो दोस्ती भी टूट जाएगी और वो उससे कभी बात तक नहीं करेगी। इसी वजह से वो लड़का प्रपोज करने से डरता था। उनकी दोस्ती जितनी गहरी हो रही थी, लड़के का प्यार भी उतना ही गहरा होता गया। धीरे धीरे कॉलेज भी ख़त्म हो गया, पर लड़के ने अपने प्यार का इजहार नहीं किया। वो डर उसे प्यार का इजहार करने से रोक लेता था। कॉलेज पूरा हो गया था, इसीलिए वो बाहर ही मिलते थे। एक दिन लड़के ने हिम्मत करके लड़की को कॉल किया और कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लड़की ने कहा कि मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, होटल में मिलते हैं। लड़का शाम को ये ठान कर गया कि आज मैं अपने प्यार का इजहार करके ही लौट रहूँगा, चाहे कुछ भी हो। लड़की कहती है कि पहले तुम अपनी बात कहोगे या मैं अपनी बात कहूँ? लड़का कहता है कि पहले तुम ही कहो। लड़की कहती है कि अगले हफ्ते मेरी शादी हो रही है और ख़ास कर तुम्हें ज़रूर आना है। लड़का ने ये सुनते ही जैसे दिल के अंदर से श्मशान की टूटने की आवाज़ आई। फिर लड़की बोली कि अब तुम कहो। लड़के ने कहा कि मैंने देर कर दी है, शायद पहले मैं अपनी बात करता। इतना कह कर लड़का चला जाता है और लड़की अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन लड़का लड़की को कॉल करके एक पार्क में बुलाता है और कहता है कि मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी शादी में नहीं आ पाऊँगा। इतना कह कर लड़का रोते हुए जाता है तो लड़की बस इतना कहती है कि जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ उसका यहाँ होना भी तो ज़रूरी है। लड़का कहता है कि पर वो तो यहाँ है ना। लड़की कहती है पागल, मैं तुझसे शादी कर रही हूँ, तेरे दोस्त ने मुझे एक महीने पहले सब कुछ